पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत से प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उन्हीं प्रकल्पों में से एक प्रकल्प है संरक्षण, यानी आज समाज को हम कई तरह से, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल, पानी हो या वृक्ष, सभी को संरक्षित करने के उपाय बताते हैं और इस तरफ संस्थान के प्रयास बहुत ज़्यादा हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने आसपास पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं, आप उन्हें सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या ना हो। यानी हमने केवल डेवलपमेंट नहीं करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी धारणीय विकास, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी तरह परेशान ना हो। धन्यवाद। आज हमें फल देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, छाया देते हैं, और तुम इन्हें कटवाने की बात कर रहे हो? अरे बच्चे, तुझे पता नहीं कि ये पेड़ तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है? अरे पापा, ये दादाजी की आखिरी निशानी एक दिन मेरी गाड़ी का नामो निशान मिटा देगी। अच्छे, क्या हंगामा मचा रखा है? क्यों मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हो? अरे मम्मी देखो ना, इतनी देर से पापा को कह रहे हैं कि हटवा दो ये पेड़ को, लेकिन इन्हें समझ में ही नहीं आ रही। आप कब तक उन बुढ़ों की निशानी को ढोते रहोगे? मेरे बच्चे कितने परेशान होते हैं पेड़ों की वजह से, और इसकी गाड़ी तो खराब ही हो चुकी है इस पेड़ की वजह से। अरे भाग्यवान, तुम क्यों नहीं समझती मैं ये पेड़ कैसे कटवाऊं? ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, मैं कैसे कटवाऊं मेरे पापा की आखिरी निशानी? तो फिर उसको आप संभाल के रखिए, मेरे बच्चों को तो आपने परेशान किया हुआ। अच्छा ठीक है, अगर तुम तीनों की यही इच्छा ना, तो मैं आज ही ये पेड़ का लक्की सिंह से बोल के कटवा देता हूँ। कटवा दो लक्की सिंह जी। जनाब, आज शाम तक आंगन के दोनों पेड़ कट जाने चाहिए। अरे नहीं नहीं, नहीं।